सोशल मीडिया पर रेलवे स्टेशन के एक वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि दो लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, फिर अचानक करंट लगने की वजह से उनमें से एक व्यक्ति नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वीडियो के जरिए यह दावा भी किया जा रहा है कि शख्स का फोन रेलवे स्टेशन पर मौजूद हाई टेंशन लाइन से कनेक्ट हो गया था, जिसके कारण वो करंट की चपेट में आ गया। वायरल वीडियो की सच्चाई क्या है, इसकी पड़ताल हमने की, अब सच आपके सामने है। सोशल मीडिया पर एक रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल है, जिसमें दो व्यक्ति आपस में खड़े होकर बात कर रहे हैं। तभी अचानक ऊपर से कुछ गिरता हुआ नजर आता है और एक व्यक्ति के शरीर से चिंगारी निकलने लगती है। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर हाई टेंशन केबल से मोबाइल एयरफोन कनेक्ट हो गया, फिर करंट निकलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि किस जगह पर यह घटना हुई, वीडियो में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हालांकि इंटरनेट पर जब सर्च किया गया तो YouTube पर वायरल वीडियो जैसे ही कई वीडियोस मिले। इन वीडियोस में जानकारी दी गई है कि खड़गपुर रेलवे स्टेशन की ये घटना है, जहां बिजली का तार गिरने पर एक टीटी की मौत हो गई। ऐसे में फैक्ट चेक की टीम ने तहकीकात के लिए तीन बातों को ध्यान में रखा। पहला, क्या वाकई पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ? दूसरा, हादसा कब और कैसे हुआ? तीसरा, क्या हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई? इन बातों को ध्यान में रखते हुए फैक्ट चेक की टीम ने अपनी पड़ताल शुरू। कुछ कीवर्ड्स की मदद से सर्च किया गया। इस दौरान के जाने माने आधिकारिक वेबसाइट पर 9 दिसंबर 2022 को छपी एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ताल में क्या मिला, ये वीडियो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन का है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि व्यक्ति टिकट चेकर सुजान सिंह है और वे अपने साथी टीटी के साथ 7 दिसंबर को प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास बने फुटओवर ब्रिज के पास खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी एक हाई वोल्टेज तार टूटकर सुजान सिंह के सर पर आ गिरा। पीड़ित सुजान सिंह को फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। मतलब वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन का है। हाई टेंशन केबल मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं हुआ था। हकीकत ये थी कि एक हाई वोल्टेज तार टूटकर टीटी सुजान सिंह पर आ गिरा। हादसे में वो जख्मी हो गए, लेकिन हादसे में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई थी। लेकिन हमने अपनी तहकीकात रोकी नहीं, दावे की सत्यता को जानने के लिए लगातार सर्च करते रहे। इसी दौरान एक अंग्रेजी अखबार की वेबसाइट पर 9 दिसंबर को छपी एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट में टीटी सुजान सिंह के साथ हुए हादसे के बारे में बताते हुए लिखा गया है कि वो हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से घायल हो गए थे, जिनका इलाज खड़गपुर रेलवे स्टेशन में होने की बात भी लिखी गई है। रिपोर्ट में खड़गपुर के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक राजेश कुमार के हवाले से बताया गया है कि हादसे में जाँच अभी जारी है। पड़ताल के दौरान चेन्नई रेलवे के ADRM अनंत रूप नगुड़ी का 8 दिसंबर को पोस्ट किया गया एक ट्वीट मिला। उन्होंने वायरल वीडियो को ट्वीट करते हुए बताया कि हादसे में घायल टीटी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फैक्ट चेक की टीम को तहकीकात के दौरान एक फेसबुक यूजर का एक पोस्ट भी मिला। पोस्ट में टीटी सरदार सुजान सिंह की अस्पताल से कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं। साथ ही कैप्शन में बताया गया है कि हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने के बाद सुजान सिंह को स्टेशन स्टाफ ने स्थानीय रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया, वे अब स्वस्थ हैं। इस दौरान कई स्थानीय नेतागणों ने अस्पताल जाकर घायल सुजान सिंह व उनके परिवार से मुलाकात की। इस तरह वायरल वीडियो के फैक्ट चेक से ये स्पष्ट है कि वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन का है। हाई टेंशन केबल मोबाइल फोन कनेक्ट नहीं हुआ था, बल्कि एक हाई वोल्टेज तार टूटकर टीटी सुजान सिंह के सर पर आ गिरा था। इसमें उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि वो जख्मी हो गए। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।